और हम इसे बहुत परेशान हैं और हमारे सारे नाले का पानी हमारे अंदर आ रहा है इसका, और इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। संबंधित नगर परिषद वालों को भी बोला था हमने, लेकिन हमारे इसमें वार्ड नंबर 43 साकेत नगर से बोल रही हूँ। हमने यहाँ पे नाले की 10 बार कंप्लेंट करवा चुकी है। हमने पारस जी भाई साहब को भी बोला था, उन्होंने भी इस पे एक्शन लिया था, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे बरसात का पानी आता है, बारिश के पानी में कितने इस हैंडपोल के बच्चे, सारे बच्चे निकलते स्कूल के, कितनी बार यहाँ पे गिर चुके हैं। अभी लेटेस्ट में हमारे यहाँ गाय गिरी थी, हमने हमारे पार्षद जी को भी ये इसमें भेजा था, वीडियो कॉल कर इसमें वीडियो बना के भेजा था उनको भी, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हम इसे बहुत परेशान हैं, और हमारे सारे नाले का पानी हमारे अंदर आ रहा है इसका, और इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। संबंधित नगर परिषद वालों को भी बोला था हमने, लेकिन हमारे इसमें कोई नहीं हुआ है, और हम इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। और इतनी गंदगी होती है यहाँ पे, नाले का कचरा निकालते हैं, 10 हफ्ते भर तक नाले का कचरा नहीं जाता है, उठाते नहीं है, और इतनी बदबू आती है, घर हमारे सामने ही है, गायें इतनी निकलती, बच्चे निकलते, ये हमारी मुख्य रोड है, फिर भी हमारे में इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम मोनिका सकलेचा, मैं महावीर इंटरनेशनल त्रिशला साकेत नगर की 4 सेक्टर, जिनका मुख्य नाला सेक्टर नंबर 4 से होकर सिविल प्लांट में मिलता है। यहाँ अनाधिकृत निर्माण कर अवैध भूमाफियाओं ने कब्जा कर नाला भूमि पर पक्का निर्माण कर लिया है, जिससे नाले की सफाई समय पर नहीं हो रही है। और ये बरसों पुराना जो नाला है बिना मुंडेर का है, यहाँ बच्चे 4-व्हीलर 2-व्हीलर यहाँ से निकलते हैं, ये मुख्य मार्ग है। यहाँ पर कई बार बच्चे गिर चुके हैं, उनकी जान की हानि हो चुकी है, और कई बार तो जो अमुक गाय माता, जो गौ माता जिनकी हम रक्षा करते हैं, वो भी गिर चुकी है और वो हादसे का शिकार हो चुकी है। हमने नगर से प्रशासन को, कमिश्नर को और सभापति महोदय को लिखित में सूचित कराया और मौखिक भी किया, और दूरभाष द्वारा उनको वीडियो कॉल और वीडियो भी बना के भेजे, पर आज तक उनकी कानों में रू नहीं जग रही है। तो इसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मैं इनको 7 दिन की चेतावनी देता हूं, अगर नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा।